गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। आज का वही चौथा चैप्टर चल रहा है, विद्युत धारा के परिणाम। विद्युत धारा का परिणाम या प्रभाव, उसमें हम देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अंतर स्पष्ट कीजिए, फर्क स्पष्ट करा, प्रत्यावर्ती धारा एंड दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और दिष्ट विद्युत धारा, जिसे एसी और डीसी कहते हैं। एसी करंट, डीसी करंट। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसको समझाना मुझे अच्छे से, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारेमध्ये काय होते बघा, या विद्युत धारेमध्ये विद्युत धारेचे परिमाण आणि दिशा ठराविक समान कालावधीनंतर बदलते। सर, ये परिमाण और दिशा क्या होता है? हिंदी में हम कहेंगे इस विद्युत धारा का जो परिमाण है और दिशा, वह एक निश्चित समान समयावधि में क्या होता है, परिवर्तित होता है या बदलता है। ये क्या होता है देखो, बता दूं तुम्हें, जो एसी करंट होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है। एसी के बारे में बता दूं, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे। समुद्र की लहरें देखी होगी तुमने, समुद्राचा लाटा बघितला असेल तुम्ही, जनुकाय अशा असतात, वो ऊपर नीचे वैसे चलता है। अब ये क्या हो रहा है कि ऊपर की जो लाइन होती है वो धन होती है प्लस, और नीचे वाली क्या होती है, माइनस। तो ये कभी ऊपर जाता है ऐसे, और कभी कहाँ जाता है, नीचे। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, मान लो एक प्लस 10 रुपया है और एक माइनस 10 रुपया है, दोनों में बड़ा कौन है, प्लस। तो कीमत क्या है, ये 10 रुपया जो इसकी कीमत है, मतलब पहले प्लस 10 फिर माइनस 10, वो हो गया परिमाण, उसकी ताकत हो गई। उसके बाद दिशा, मतलब वो एक बार ऊपर है फिर एक बार नीचे, ऊपर नीचे, ये उसकी क्या है, दिशा। तो वो बराबर समय समय में क्या होता है, बदलते रहता है। मोहन बोला है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारेचे परिमाण आणि दिशा ठराविक समान कालावधीनंतर बदलते। मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का जो परिमाण और दिशा है वह एक निश्चित समान समयावधि के पश्चात बदलते रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सर इसका तो लिख दिया, इसका इसमें बदलता नहीं है, बस इतना ही लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा। विद्युत धारेचे परिणाम आणि दिशा ठराविक समान कालावधीनंतर बदलते, यहाँ पे बदलत नहीं, फक्त एवढंच करायचं। दिष्ट विद्युत धारा में सिर्फ क्या करना है, उसमें बदलता है, इसमें बदलता नहीं है, बस इतना ही लिखना है। दोनों याद हो गया तुम्हें, समझ में आया? इसमें क्या होता है, वो सीधा चलता है, वो ऐसे रहता है, सीधा जाते रहता है, ना ऊपर ना नीचे, वो सीधा चलेगा। वो कम ज़्यादा होता है, जीरो भी होता है, पर ऊपर नीचे नहीं होता, दिशा नहीं बदलती उसकी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा दोलायमान अस्ते, हिंदी में कहते हैं दोलनीय, दोलनीय, दोलनी और अदोलनी, दोलनीय होती है अदोल, दोलनी। अभी दोलनी क्या होती है, मेरे ढोलना, वो नहीं है, ये अलग है। ये दोलनी मतलब कैसे, वो इसे कहते हैं दोलनीय, याद रखना, वैज्ञानिक भाषा में कहते थे, साइंटिफिक लैंग्वेज में, ऊपर नीचे, समुद्र की लहरें जो होती है ऊपर नीचे, उसे कहते हैं ऑसिलेटरी, इंग्लिश में कहते हैं उसे ही दोलनी कहते हैं, हिंदी में दोलनी, मराठी में बनता है दोलायमान, मतलब वो ऊपर नीचे जो चीज़ होती है उसे कहते हैं दोलायमान। तो एसी वाला जो करंट है, विद्युत धारा क्या है, दोलायमान नस्ते ही दोलायमान नस्ते, दिष्ट विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यह दोलनीय होती है, और दिष्ट विद्युत धारा ये क्या होती है, अदोलनी, अदोलनीय, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये दोलनीय होती है और ये अदोलनीय होती है, या फिर ये दोलनीय होती है, दोलनीय नहीं होती, ऐसा लिखा, या फिर अदोलनीय होती तो भी लिखा तो भी चलेगा। दोलायमान अस्ते, दोलायमान नस्ते, मतलब ये ऊपर नीचे होता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता, सीधा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो वारंवारिता कितनी है, 50 हर्ट्ज, कुठे, भारतामध्ये, हमारे भारत देश में जो एसी करंट चलता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा वायर में से, उसकी जो वारंवारता, हिंदी में कहते हैं बारंबारता, क्या कहते हैं हिंदी में, बारंबारता, यह बारंबारता प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की हमारे भारत देश में 50 हर्ट्ज है। सर ये क्या है हर्ट्ज,
हर्ट्स ये उसकी इकाई है, हर्ट्स है एकक, ये उसका यूनिट है जिससे उसको नापते हैं। जैसे तुम चावल लेने जाते हो, नापते हो ना चावल क्या, 2 लीटर चावल लेते हो, 1 लीटर चावल लेते हो, नहीं ना, चावल कैसे 1 किलोग्राम, 2 किलो, तो केजी क्या है, किलोग्राम उसको नापता है। उसी तरह ये हर्ट्स उसको नापता है कितना तेज चलता है। 50 हर्ट्स का मतलब वो 1 सेकंड में 50 गोले कंप्लीट करता है। कैसे बताता हूँ, देखो ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, दोनों मिलेगा तो आधा और आधा एक सर्कल, तो ऐसे कितने बनते होंगे मालूम क्या, 50, 1 सेकंड में 50 बनता है, सोचो कितना स्पीड होगा उसका। तो ये 50 ऐसे वर्तुळ तैयार होता एका सेकंदामध्ये, मग त्याची वारंवारता किती आहे, 50 हर्ट्स, ठीक आहे। भारतामध्ये, फॉरेन में कुछ अलग है थोड़ा सा, तो याद गया, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता 50 हर्ट्स होती है भारत में, याद रहेगा। और वहां पे दिष्ट विद्युत धारा की बारंबारता हिंदी में बारंबारता कहते हैं, कितनी होती है, 0, क्योंकि वो एक भी गोला नहीं बनाता है, एक भी नहीं बनता, सीधा सीधा जाता है। भारतामध्ये दिष्ट विद्युत धारेची वारंवारता किती असते, 0, कारण तो एकही वर्तुळ तयार करत नाही, ना ऊपर ना नीचे, सीधा, ठीक है। अब किसी ने पूछा, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सामने वाले वायर में एसी जा रहा है, डीसी जा रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा। देखो हर चीज को बताने के लिए कोई ना कोई सिंबल, चिन्ह, संकेत होते हैं। तुम्हें पता होगा हमारे भारत का तिरंगा है, उसमें 3 रंग है, बीच में चक्र है, वैसे ही उसके बाद तुम बस स्टॉप पे जाओ तो बस स्टॉप का, ट्रेन पे जाओ तो ट्रेन का, उसमें महिला और पुरुष 2 डोर होते हैं ना, लेडीज़ जेंट्स के लिए, तो लेडीज़ के लिए एक लेडीज़ का फोटो लगा रहता है, जेंट्स के लिए जेंट्स का, समझ आया। तो हर जगह संकेत होते हैं, तुम फाटक पे जाओ वहाँ पे 3 लाइट्स होते हैं सिग्नल, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट, तो सब संकेत देते हैं, ग्रीन लाइट जाना है, रेड लाइट रुकना है, ऑरेंज तैयार हो जाना है। तो उसी तरह डीसी देख एसी के लिए तुम जाओगे तो वहाँ बोर्ड पे ऐसे बोर्ड पे चिन्ह दिया रहेगा, वो चिन्ह कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसा एक लाइन रहेगा, बीच में ऐसा गोला रहेगा, उस गोले में ऐसा एस रहेगा सोया हुआ, वो चिन्ह किसका रहेगा, समझ जाना, एसी है वो ऊपर नीचे वाली है बिजली, ठीक है। और डीसी के लिए ऐसा दिया रहेगा, बड़ा लाइन और छोटा लाइन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, ये इसका संकेत है, चिन्ह यानी संकेत किससे दर्शाते हैं, हिंदी में कहते हैं संकेत, ठीक है। 4 पॉइंट इनफ है 2 मार्क्स के लिए, चलो 1 पॉइंट यूज करते हैं। अब एसी जो विद्युत धारा है वो हमारे घर के जो छोटे मोटे उपकरण होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, घरगुती उपकरणासाठी प्रत्यावर्ती विद्युत धारेचा उपयोग केला जातो, आणि दिष्ट धारा ही खूप हाय वोल्टेज ताकतवर विद्युत धारा होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो होते हैं कारखान्यामध्ये याचा वापर केला जातो मोठ्या प्रमाणात। तो ये हमारा टॉपिक था एसी और डीसी का, समझ में आया।